डॉक्टर प्रभात कुमार के पुत्र आशीष के अंगरक्षक प्रेम पर अज्ञात अपराधियों ने हमला बोल दिया और पीट कर पिस्टल लूट लिए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। टीएमएच के डॉक्टर स्वर्गीय प्रभात के पुत्र आशीष के अंगरक्षक पर अज्ञात अपराधियों ने हमला बोल दिया और पीट कर पिस्टल लूट ली है। ये घटना कदमा थाना क्षेत्र में घटी है, जब स्वर्गीय डॉक्टर के दोनों पुत्र सौरव और आशीष ट्यूशन जा रहा था, तभी रास्ते में ही अपराधियों ने रोक लिया और मार पीट कर अंगरक्षक प्रेम कुमार की पिस्टल लूट ली। इस घटना के बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर ली है, जिसमें एक का नाम बाबू चालक है। डॉक्टर प्रभात की पत्नी की अगर हम बात माने तो कुछ लफंगों ने घटने को अंजाम दिया है। मैं बहुत कोशिश किया, इसके बाद ईंटा उठा के मेरा कपार मार दिया, मैं फीट मार दिया, मैं पे गिर गया, इसके बाद पिस्टल निकाल कर। प्रभात के लड़के को भी चोट लगी है? हाँ, लगी है। मारा गया है? हाँ। उन्होंने कुछ बोला नहीं किस पर्पज से मार रहे हैं? कुछ तो बताया उन्होंने, अचानक तो हमला नहीं किए होंगे? अचानक हमला हुआ, अचानक हुआ। तो क्या उनका मोटो तो आग छीनने का तो है या लड़के पर हमला करने का था? हमला करने का था। तो आप उसमें अपना आग से निकाल कर उन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते? नहीं करने का मतलब हम निकले ही, तब तक वो लोग चार आदमी हमको धर लिया पूरा। इसके बाद मैं उलझ गया, इसके बाद 30-30 वो आया, 10 और आदमी बुला लिया और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। बॉडीगार्ड तो दो है आप लोग? तीन आदमी। तो अकेले थे आज? अभी हम ड्यूटी में अकेले थे। ड्यूटी में आप अकेले थे? हाँ, और आवाज से था। ये घटना किस जगह पे हुआ? कदमा गोल चक्कर, कदमा जो है ना, ये उलियान गोल चक्कर के पास। हाँ, उलियान गोल चक्कर। अभी भी पकड़ के वहाँ बस्ती के लड़का सब अभी से बाहर गुंडा टाइप गार्ड में पकड़ के उसका पिस्टल छीन लिया है गार्ड का और मार रहा है गार्ड को। भी फिर वहाँ से चौड़ी छोड़ के दौड़े फ्रांस के लिए वहाँ से आए, आए तो बहुत सारा पूरा भीड़ जमा और सब पकड़ के उसने पीठी गार्ड को जरूर से पकड़ा था लड़का सब और उसके बाद उसको मार रहा है। फिर हम जाके बीच बचाव करके उन लोग को ये किए, शांत रहो, गुस्सा नहीं करो, ऐसे में कैसे है क्या बोला कि हमको लग रहा था कि मतलब कौन आदमी है, ट्रक बीच में लगा देने, ट्रक ऐसा हमेशा वहाँ ट्रक लगते रहते हैं, गली ऐसा बना दिया है। हर बार बोलने से मैं चिल्लाओ लगे डाट उठ के बोलता था लोग, तो गाट के रहने से हटा देता था। इस बार ऐसा किया कोई हटा ही नहीं रहा, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ गया। मेरे बेटा भी थोड़ा गुस्सा में वाला है, क्योंकि गुस्सा में हटाने को लगे तो हटाई कहा नहीं आप हटाइए। उसके बाद वो लोग गाली गलौज करने लगा, फिर गाट मैंने उसको मारने के लिए दौड़ा बहुत जोर से, फिर गाट बचाने के लिए निकला, बस गाट का पिस्टल छीन लिया, उसी पिस्टल को लेकर मैंने एक करके मार दिया। फिर एक गार्ड और था, उसके पास बड़ा वाला बंदूक था, हड़बड़ी में कौन किसका बंदूक है किसका कुछ पता नहीं चले, तो हमको बुलाने चला गया कैंटी चलिए और इधर ये सब ऐसे ऐसे इधर थाना से गया कुछ लोग किनारे, इधर उधर कहीं दो ठोकर पकड़ा पता नहीं, वहाँ तो बहुत भीड़ मिल के मार रहा था, 5-6 आदमी था जो असली दो दिन में तो गायब ही हो गया पिस्टल लेकर। छोटे बेटे थे वो आपका? हाँ, मेरे छोटे बेटे।